आज मेरा मूड है पास्ता खाने का, और बीइंग अ शेफ आई हैव ऑलवेज बीन कि यार पास्ता मतलब तरीके से बनाना एक तरीका है, इटालियन है, एक पर्टिकुलर सॉस है वैसे बनाना है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव स्टार्टेड टू अप्रिशिएट इंडियन फ्लेवर्स विद द पास्ता. इसलिए आज हम बनाएंगे स्पाइसी मसाला पास्ता. ये एक ऐसी डिश है जो आप टीवी के आगे बैठकर आराम से खा सकते हैं, वेरी कंफर्टिंग, वेरी वार्म. एट द सेम टाइम जब आप इसे प्लेट करेंगे, वो जो प्लेट से धुआं उठेगा उसकी खुशबू आएगी, बिल्कुल ऐसे चिड़िया जैसे चहक रही है, आप भी चहकेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है. लेट्स डू दिस अमेजिंगली सिंपल रेसिपी. सो यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डू रॉन्ग इज के हम लोग क्या करते हैं कि हम पास्ता पहले बॉयल कर देते हैं उसके बाद सॉस बनाते हैं. इट्स अदर वे राउंड. पहले हमें सॉस तैयार करनी है और फिर पास्ता बॉयल करेंगे. नाउ स्पाइसी मसाला पास्ता, इट्स अ बेसिक मसाला जिसके अंदर हम डालेंगे प्याज, गार्लिक, अदरक, मिर्ची, शिमला मिर्ची और टमाटर. सो पास्ता की सॉस बनाने के लिए हम लेंगे ज़रा सा तेल और ढेर सारा बटर. सबसे पहले जाएगा जीरा, लाइट स्टर. ऑलराइट, दिस इज हॉट इनफ. इसके अंदर जाएगा गार्लिक, हमारी अदरक और हरी मिर्च. गिव इट अ नाइस स्टर. वाओ, बटर, गार्लिक, ग्रीन चिली. ये है अनियन. अनियन को ब्राउन नहीं करना, जस्ट लिटिल सौते के वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए. ज़रा सा पकाया इनको मैंने, लुक एट दैट. प्याज तैयार है, इसे इस तरीके से कच्चा कच्चा रखना है ताकि उसके अंदर एक बाइट रहे, क्रंच रहे, क्योंकि होता क्या है पास्ता तो सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा मशी हो जाता है, प्याज जो है उसे क्रंची रखता है. क्विक स्टर, दिस इज गुड. एंड इमीडिएटली इसमें जाएंगे टमाटर. रंग देखिए इसका, क्या बढ़िया हो गया. क्विक स्प्रिंकल ऑफ सॉल्ट. इसे हमने 3 से 4 मिनट पकाया है और ये तैयार है. हमें टमाटर को बिल्कुल प्यूरी नहीं करना. और अब हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मतलब ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको किसी को नहीं बताना, हालांकि मैंने आपको बता दिया, टोमेटो केचप. आई नो कई लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि क्या कर रहा है. डू ट्राई दिस एट होम. और अगर आपका पास्ता यहाँ से यहाँ नहीं गया ना, तो फिर नाम बदल देना. सॉस डालने से क्या होगा, एक तो इसके अंदर एक शाइन आएगी, एक सॉस के अंदर एक फ्लो आएगा. ना चुटकी भर ज़रा सा कसूरी मेथी का पाउडर. गैस को करेंगे बंद. अब सॉस तैयार है, पास्ता बॉईल करना है, लेकिन उससे पहले टाइम है एक नए सेगमेंट का. अब इस सेगमेंट के अंदर मैं बताऊंगा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू आज की रेसिपी, लेकिन इस सेगमेंट का नाम क्या होना चाहिए वो आप मुझे बताइए. और जिसका सबसे बढ़िया नाम लगा ऑब्वियसली कमेंट्स में उसको मैं टैग करूंगा, पिन करूंगा उसका कमेंट, लाइक भी करूंगा, और मेरी तरफ से ढेर सारी पपियाँ. पास्ता को ओवर बॉयल करना बहुत आसान है, इसलिए जब भी आप पास्ता खरीदते हैं उसके पैकेट के ऊपर, स्पेशली ड्राइड पास्ता के लिए, आप ये देखें कि कितनी देर उबालना है, उस पर लिखा होता है. इट्स वेरी सिंपल. एट द सेम टाइम जब आप पास्ता ऐड करते हैं, आप ठंडे पानी के अंदर नहीं ऐड करते, उबलते खौलते पानी के अंदर पास्ता ऐड किया जाता है. एक लास्ट स्टेप, सिर्फ लास्ट, पास्ता का जो पानी बच जाता है ना वो नहीं फेंकना, वो काम आएगा सॉस को पतला करने में, क्योंकि उसके अंदर पास्ता का अर्क है, उसका स्वाद है. सो ये थी हमारी सिंपल कुनाल्स टिप्स एंड ट्रिक्स. ऑलराइट, सो सॉस हमारी तैयार है. अब एक और चीज़, मैंने इसके अंदर ये कैप्सिकम नहीं डाली, इफ यू सी दिस ब्यूटीफुल कैप्सिकम, ये अभी भी सॉस के अंदर नहीं गई, उसका भी एक रीज़न है, बाद में बताऊंगा. पानी में एक अच्छा बॉयल आ गया, खोल रहा है. अब हम लेंगे पास्ता. अब इसके अंदर हम डालेंगे नॉट अ पिंच ऑफ सॉल्ट बट अ जेनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट. पास्ता सारा नमक नहीं, थोड़ा सा ही नमक पिएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा नमक चाहिए इसके अंदर. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बता दूं कि एक्स्ट्रा शॉट्स, यानी ये जो पास्ता हम बना रहे हैं, अगर ये थोड़ा बच जाता है लेफ्ट ओवर पास्ता, उसका क्या करना है, उससे क्या अमेजिंग डिश बन सकती है, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा. मेरे अगर आप असली फ़ैन हैं तो एंड तक ज़रूर रुकेंगे. चलिए
ना, क्योंकि हमने ये फ्रेश पास्ता बॉईल किया, इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं चिपकेगा, क्योंकि इमीडिएटली अब हम सॉस को रीहीट करेंगे और पास्ता को उसमें डाल देंगे। और जो हमने बात करी थी वो पास्ता के पानी की, अब इसे हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसमें जाएगा कैप्सिकम। कैप्सिकम अगर आप पहले डाल देते उसका रंग चला जाता, उसका क्रंच चला जाता। इन गोज आर पास्ता, थोड़ा सा सॉल्ट। पास्ता एक बार आपने सॉस में डाल दिया, आप जितना करछी डालेंगे उसके अंदर उतना चांस है उसका टूटने का। सो जस्ट जेंटली टॉस। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है टॉस करने से, इट्स फाइन, आप स्टर कर सकते हैं, बट ऑलवेज स्टर, लिफ्ट, ड्रॉप। थोड़ा सा ताज़ा धनिया, गैस बंद। हमारे पास है ये चीज, ये है मोत्ज़रेला। आप पिज्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन चीज़ इज़ ऑप्शनल, मुझे पसंद है पास्ता में, सो जस्ट ड्रॉप इट। भले भले, मसाला पास्ता इज डन, लेट्स प्लेट इट। और हमारा स्पाइसी मसाला पास्ता डन, बढ़िया। जय हो। अब चलते हैं हमारे एक्स्ट्रा शॉट्स की तरफ। अगर ये लेफ्ट ओवर पास्ता है हमारे पास, इसका एक बढ़िया सा सैंडविच बन सकता है। यस, बहुत आसान है। आपको चाहिए ब्रेड, ब्रेड पे लगेगा मक्खन, उसके अंदर हम भरेंगे पास्ता, एक चीज़ का स्लाइस ऊपर, एक और ब्रेड, और इसे अब हम तवे पर या फिर ग्रिलर पर आराम से सेक लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया क्रंची बना है, वील कट इट, और हमारा लेफ्ट ओवर मसाला पास्ता का सैंडविच डन। पास्ता चिपक जाता है, उसके ऊपर एक स्किन आ जाती है। लाइट चली गई, आ गई लाइट। पहले हमें सॉस तैयार करनी है और फिर पास्ता हम बॉईल करेंगे। पहले हमें सॉस तैयार करनी है और फिर पास्ता बॉईल करेंगे। शेयर टू कम इन बिटवीन। मामा मियाँ, मैं खाऊंगा। While it's still boiling, इसमें फटफटिया। चलो जी, roll.